हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे का जो सबसेट्स वाला पार्ट है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। और आई होप कि आप सब लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कर ली होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपने डाउट्स पोस्ट कर दीजिए, हम लाइव क्लासेस में उनको डिस्कस कर देंगे, या फिर हम आपको 1-to-1 अगर जरूरत होगी तो 1-to-1 आपको उसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर देंगे, एंड इफ रिक्वायर्ड हम एक वीडियो भी पोस्ट कर देंगे उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, ठीक है। हाँ, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। चलिए तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसेट्स। बेसिकली नाम से ही आपको पता चला है कि सब ऑफ अ सेट, सब ऑफ अ सेट, सब मतलब पूरा नहीं, सब पार्ट मींस किसी भी सेट का एक सब पार्ट आप अलग कर लेते हैं तो उसको उसका सबसेट बोला जाता है, किसी सेट का सब पार्ट इज सबसेट। मतलब डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे। सपोज करिए आपके सामने एक सेट दिया गया 1, 2, 3, 4। अब इसमें से आप एक सब पार्ट इसका उठे, कुछ भी इसका छोटा सा पार्ट उठा लीजिए, इसको आप दो एलिमेंट उठा लीजिए या एक एलिमेंट उठा लीजिए, तो हम ये कहेंगे कि अगर आपने एक सेट बी लिखा 1, 2, तो ये इस सेट का एक पार्ट है ना, इसके एलिमेंट्स में से उठा के ये बना हुआ है। अगर इसके एलिमेंट्स में से उठा के हम कोई सेट बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक। और बाकी लिखने के लिए लिखा ये जाता है कि इफ इफ ए इज अ सबसेट, चलिए पहले ये लिख देते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपका सिंबल ऑफ सबसेट होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, कई किताबों में, पहले ही हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कई किताबों में ये सिंबल यूज किया जाता है, ठीक। इस सबसेट के नीचे एक तो लाइन खींच दी जाती है, ये सिंबल अब ऑब्सोलीट हो गया है, आउटडेटेड है, अब हम बेसिकली केवल यही सिंबल यूज करते हैं। पहले क्या था बच्चों कि पहले दो सबसेट चलते थे, एक सबसेट चलता था प्रॉपर सबसेट, वो भी हम बताएंगे, अभी भी है प्रॉपर सबसेट, अभी भी है, उसका सिंबल अलग अलग से नहीं है। प्रॉपर सबसेट हम ये कहते हैं कि अगर वो सेट, उस सेट के कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके बना है तो हम सबसेट बनाते थे, और अगर वो सेट इक्वल भी हो सकता था, मतलब ये जो सेट आपने सबसेट बनाया ये ओरिजिनल सेट के बराबर भी हो सकता था, मतलब यही ए ही लिख दिया जाए, तो हम ये कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उस टाइम में ये गलत हो जाता था क्योंकि ये ए बी का, सॉरी ए, तो ए ए का सबसेट नहीं है, ए ए के बराबर है, ए इज इक्वल टू ए, तो ये सबसेट और इक्वल टू, सबसेट और इक्वल टू की तरह ये सिंबल यूज किया जाता था। अब इसको हटा के कहा जाता है कि नहीं, सबसेट का हम केवल एक ही मतलब लेते हैं कि सबसेट और इक्वल टू, ये सिंबल का यही मतलब है कि सबसेट और इक्वल टू, सबसेट है तो उसको सबसेट कहा जाएगा, इक्वल टू का कॉन्सेप्ट अलग से हटा दिया गया है, ठीक। तो बेसिकली हम केवल यही सिंबल यूज करते हैं, यही सिंबल आपका सबसेट के लिए भी यूज किया जाता है और सबसेट और इक्वल टू के लिए भी यूज किया जाता है, ये सिंबल ऑफ सबसेट है। बाय डेफिनेशन ये कहते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, जिधर मुंह बंद है उधर सबसेट लिखा जाएगा, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा वाला सेट लिखा जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें से कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ए बी का सबसेट है, यही आपको समझना है। समझना क्या है कि समझ तो आप गए ही हैं कि सबसेट का मतलब है, ये इसलिए समझना है कि क्वेश्चन में प्रूफ कैसे करेंगे कि ये सबसेट है या नहीं है। प्रूफ करने के लिए हमें कहते हैं कि अगर हम इसका कोई भी रैंडम एनी एलिमेंट ए उठाते हैं, एनी एलिमेंट ए, यहां लिखना भूल गए थे, एनी एलिमेंट ए उठाते हैं, तो इसका मतलब ए का एक एलिमेंट हमने ए उठाया, इसका मतलब अगर वो ए में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर इस सेट का आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, इस सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। यही कह रहा है ना ऊपर कि भाई इसके एलिमेंट से ही बना है, तो इसका आप कोई भी एलिमेंट उठा ली
ये एलिमेंट इसमें होगा, इसका भी आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए ये इसमें होगा, इसका कोई भी एलिमेंट उठाइए इसमें मिलेगा, वही आपको लिख देना है। मतलब हम इफ एनी एलिमेंट ए, अगर हम इसका कोई भी रैंडम एलिमेंट ए उठाते हैं वो बी में मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये इसका सबसेट है। अगर आपने कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया ए जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है, सबसेट को काट दीजिएगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो गया कि अगर एक का एक एलिमेंट उठाइए, वो अगर बी का भी एलिमेंट है और ये हर एक एलिमेंट के लिए, देखिए हम तो रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट उठा सकते थे, इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए वो बी में मिल ही जाएगा। इसका मतलब अगर ए का हर एलिमेंट बी में मिलता है तो हम ये कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा, नॉट वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा नहीं ट्रू है। ये जरूरी नहीं है कि बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हो। ठीक है, बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में मिलेंगे। ठीक, जैसे हम ये कहते हैं ना कि आपने सपोज करिए कि आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खरीदा, एक पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खरीदा, तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकता है, ठीक है, एरोप्लेन भी हो सकता है अगर आप बहुत रईस हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपका जो आपने एक पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खरीदा तो वो व्हीकल्स का एक सबसेट है, व्हीकल्स का एक सबसेट है। आप यार्ट भी खरीद सकते हैं, तो किसी भी टाइप का व्हीकल जो कि चलता है, मोशन को जनरेट करता है, वो उसका सबसेट होगा। आपने अगर कार खरीदी है तो भी व्हीकल्स का सबसेट है, बाइक खरीदी तो भी व्हीकल्स का सबसेट है, साइकिल खरीदा तो भी व्हीकल्स का सबसेट है, मतलब ट्रक खरीदा तो भी व्हीकल्स का सबसेट है, तो ये सब। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कहेंगे कि कार खरीद ली तो कार ही व्हीकल्स का पूरा सेट हो गया, नहीं, व्हीकल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक एग्जांपल जैसे अनाज है, तो हम कहेंगे कि गेहूं अनाज का सबसेट है, चावल अनाज का सबसेट है, तो ये नहीं, मतलब चावल अनाज में से एक पार्ट ऐसा है जिसको हम गेहूं बोलते हैं, अनाज का एक पार्ट ऐसा है जिसको हम चावल बोलते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि गेहूं ही बस अनाज है, नहीं, मतलब जिसका हम सबसेट बोल रहे हैं तो उस सबसेट के पूरे एलिमेंट्स मेन सेट में मिलेंगे। ठीक, चलिए, बहुत ज्यादा समझाने के में कंफ्यूजन भी हो सकता है। लॉजिक यही है कि अगर आपको प्रूफ करना हो कि ए बी का सबसेट है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इतना आपने प्रूफ कर दिया तो आपने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। ठीक है बच्चों, क्लियर? सबसेट्स में इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन ए, वो उल्टा ही लिखा हुआ है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, बाय डेफिनेशन दो चीजें होती हैं। बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि फाइ, ये कौन सा सेट है, याद आया? यस, ये नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाला पॉइंट है। किसी भी सेट को उठा लीजिए, phi उसका सबसेट होगा, phi इसका भी सबसेट है, phi इसका भी सबसेट है, phi इसका भी सबसेट है, इट डजंट मैटर व्हाट इज दिस सेट, phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम ये कहते हैं बस उसमें से कुछ भी मत उठाओ, कुछ भी नहीं उठाओगे तो हमने कहा कि इससे क्या उठाया आपने, कुछ नहीं उठाया, मतलब सबसेट हो गया, इसी के एक छोटा पार्ट हटाया है ना, क्या कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं उठा रहे। तो उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता है, ये भी लिख लीजिएगा,
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। मतलब जो ए है ए का सबसेट है, बी बी का सबसेट होगा, ए ए का सबसेट होगा, जो इक्वालिटी वाली बात होती है ना वही यहां कह देते हैं हम कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो फाइ हर एक सेट का सबसेट होता है और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए तो अभी हम बोर्ड को क्लियर करते हैं, देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सबसेट्स हम कैसे बनाते हैं, क्या होता है लॉजिक इसका। तो देखिए सबसेट्स हम की, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, यस 1, 2 एंड 3, और आपको इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे लिख देने हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके सबसेट्स लिखते हैं। सबसेट्स लिखने के लिए देखिए प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि इसका एक पार्ट, कुछ पार्ट हमको उठा लेना है, इसी का कुछ पार्ट उठा लेना है। ठीक, कुछ पार्ट उठा लेना है, तो जितने तरीके से हम इसके कुछ पार्ट उठा लेंगे उतने सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक, इसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताएंगे आपको फॉर द पॉइंट, फ्रॉम द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम इसके सबसेट्स लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला सबसेट फाई, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपका पहला सबसेट हुआ। ठीक, दूसरा सबसेट आप इसमें से एक एक एलिमेंट्स उठाइए, एक एक एलिमेंट्स उठाइए, तो ये 1 आ गया, ये भी इसका सबसेट है। देखिए सबसेट लिखना है तो एक सेट लिखना पड़ेगा, केवल एलिमेंट नहीं लिखना है। 1 लिख देंगे गल, हाँ फाई रिप्रेजेंटेशन है सबसेट का तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, यस बिकॉज इसका हर एलिमेंट इसमें मिल रहा है। उसी तरीके से दूसरा एलिमेंट 2 उठाइए। बनाने का तरीका यह होता है कि पहले एक एक के सेट्स बना लीजिए, फिर दो दो के बना लीजिए, फिर तीन तीन के, चार चार के, जितने बन सकते हैं बनाते जाइए, फिर 3 भी इसका एलिमेंट होगा। तो ये सिंगल एलिमेंट सेट्स हैं, ये 0 एलिमेंट सेट 1 मिला, सिंगल एलिमेंट सेट्स 3 मिले। अब दो दो देखते हैं, तो दो दो में आपका आएगा या तो 1, 2 उठा लीजिए, जितनी पेयरिंग पॉसिबल है सारी करनी है, जितनी पेयरिंग पॉसिबल है सब करनी है। तो एक एक को सबके साथ पेयर करते जाइए, 1 को 2 से एक के साथ किया, फिर 1 को 3 के साथ कर दीजिए। अब 1 की पेयरिंग किसी और के साथ नहीं हो सकती, 1 की पेयरिंग अब किसी और के साथ नहीं हो सकती, तो 2 1 के साथ मिले, फिर अब 2 की पेयरिंग करनी है, तो 2 की ऑलरेडी 1 के साथ हो चुकी है, तो हम अब लिखेंगे 2, 3। ठीक, अब 2 की 3 के साथ होगी, तो 3 ऑलरेडी सबके साथ हो चुका है, तो बेसिकली 3 सेट्स आपके 2-2 वाले मिले, और एक आखिरी जिसमें ये सारे आ गए। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ये आपके हो जाएंगे, इस सेट के इतने सबसेट्स होंगे, इस सेट के इतने सबसेट्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये है आपके नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, अब हम आपको एक छोटा सा प्रूफ बताएंगे कि कैसे हम किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली राइटिंग डाउन ऑल द सेट्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपने बाइनोमियल थ्योरम या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन समझिएगा। ठीक, देखिए आपके पास एक सेट ए है, सपोज करिए उसमें A1, A2 ऐसे करते करते AN एलिमेंट्स हैं। ठीक, हमने कहा इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो वो आपके आते हैं 2 to the power n, नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स हैं ना उसके ऊपर उसको 2 की पावर में रख दीजिए। अब इसका प्रूफ ये होता है बच्चों, प्रूफ ये होता है कि देखिए ये जो एलिमेंट है 1, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, या तो ये एलिमेंट सेलेक्ट होगा, मतलब हमने एक सबसेट यहां लिखा, ठीक एक सबसेट यहां लिख रहे हैं हम, तो इसमें जो एक एलिमेंट है ये कितने तरीके से इसमें आ सकता है, कहेंगे कि 2 तरीके से। पहला तरीका, या तो A1 इसका पार्ट बन जाए, या
A1 इसका पार्ट ना बने। हम A1 को दो तरीके से यूज कर सकते हैं इस सेट में रखने के लिए, या तो रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? नहीं। मतलब इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? दो। उसी तरीके से इसके पास भी दो ऑप्शंस हैं कि या तो ये इस सबसेट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक। उसी तरीके से A3 के पास, A4, सबके पास कितने ऑप्शंस हो गए? दो। मतलब इसके पास दो ऑप्शंस, इसके पास दो ऑप्शंस, मतलब तो देखिए ये आगे आपको बताया जाएगा कि जब ऑप्शंस एंड में आते हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब A1 हैज टू एलिमेंट्स ऑप्शंस, A2 हैज टू ऑप्शंस एंड A3 हैज टू ऑप्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर काउंट करने होंगे तो 2 को आप इनसे आप ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 to the power n आ जाएगा। ठीक। एक इसका दूसरा प्रूफ भी होता है बाइनोमियल वाला, चलिए फिर अभी इसको जानना आपके लिए जरूरी नहीं है तो हम नहीं बताएंगे, अननेसेसरीली आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो बेसिकली हमें पॉइंट जो समझना है वो ये है कि अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। ठीक। अब इसमें एक वो सेट भी होता है, देखिए हमने आपको बताया ना कि a1 a2 an इसके सबसेट हम बोलने के बाद सबके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए सबने हर ऑप्शन या तो चूज होगा या नहीं होगा, चूज होगा या नहीं होगा, यही चूज हो रहा है। तो एक सेट ऐसा ही बनेगा जिसमें ये ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो जिसमें सारे नहीं होंगे वो कौन सा सेट बनता है? फाइ सेट, वो इसमें इंक्लूडेड होगा। तो हम ये कहते हैं कि 2 to the power n में आप सारे सबसेट्स को इंक्लूड कर चुके हैं, सारे सबसेट्स को इंक्लूड कर चुके हैं। तो यहां से हम ये कहेंगे कि इफ यू वॉन्ट टू राइट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, जो खाली नहीं है, फाइ को हटाना है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ये कितने होंगे? ये आपके होंगे इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से केवल एक सेट हटा दीजिए, कौन सा? फाइ वाला, केवल फाइ को आप हटा दीजिए, ये आपका नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको अभी फिलहाल याद रखनी है। ठीक। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स 2 to the power n-1। अब एक और डेफिनेशन आती है प्रॉपर सबसेट की, कभी कभी यूज होता है, जहां तक हमें याद है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। प्रॉपर सबसेट हम कहते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए के बराबर नहीं। हमने आपसे कहा था ना कि ए अपना खुद का सबसेट होता है, हर एक सबसेट सेट अपना खुद का सबसेट होता है। मतलब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो भी ये सबसेट वाला सिंबल रहेगा, लेकिन अगर हमें प्रॉपर सबसेट चाहिए, प्रॉपर सबसेट का मतलब देखो एकदम कायदे वाला सबसेट, मतलब ये है कि एकदम कायदे का सबसेट होना होता है, उसको बराबर नहीं है, उसके बराबर नहीं होगा, मतलब बराबर हो गया तो इक्वालिटी आ गई ना, तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट सबसेट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की जैसे हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्टली लिस्ट है, उसी तरीके से स्ट्रिक्ट सबसेट की बात करते हैं। तो स्ट्रिक्ट सबसेट में कहते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है लेकिन वो बराबर नहीं है, देन तब हम कहते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नोट करके लिखिएगा, फाई इज अ, फाई क्या होगा? हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, आपको ये लॉजिक मत लगाना कि फाइ फाइ का प्रॉपर सबसेट होगा क्या, नहीं, फाइ के आप कोई और सबसेट लिख ही नहीं सकते, फाइ का इकलौता सबसेट फाइ ही होता है, उसको छोड़ के बाकी सारे सबसेट्स का फाइ हमेशा प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक। तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 to the power n, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स इज 2 to the power n-1, एंड फाइ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि सबसेट तो हो बराबर ना हो, सबसेट तो हो लेकिन बराबर ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम बोर्ड क्लियर कर लें। बच्चों बोर्ड पे आपके पास एक लॉजिक जॉगर क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉजिक जॉगर का मतलब है कि जो आपके लॉजिक को हिला के रख देगा, डामा डोल,
सोचिए, आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, पहले इसी को देखिएगा, दोनों पे मत कूदिएगा। ए इज इक्वल टू 1 2 3, आपको ये बताना है कि ये चार जो स्टेटमेंट्स हमने यहां लिखे हैं इसमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। क्या 1 A का एलिमेंट है? यस, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ A। आप सब लोग वीडियो पॉज करके सबके आंसर्स लिख लीजिए, बस ट्रू फॉल्स लिखना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सेम इसमें भी है। तो ये तो ट्रू हो गया, क्यों? क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। क्या 1 A का सबसेट है? तो नहीं, 1 A का सबसेट नहीं है, बिकॉज ये सबसेट है ही नहीं, ये तो एक एलिमेंट लिखा हुआ है ना। वी हैव पिक्ड अप 1 एलिमेंट ऑफ A एंड वी हैव रिटन इट, तो ये सबसेट नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। अगर यही ब्रैकेट्स में लिखा होता, इसको सेट बना दिया होता हमने, तब ये एलिमेंट सबसेट बन जाता। क्या ये इसका सबसेट है? हाँ, हमने इस एक एलिमेंट को उठाया, उसको एक सेट बनाया और कहा कि ये इसका सबसेट है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तीसरा वाला, क्या ये इसका एलिमेंट होगा? क्या ये इसका एलिमेंट हो सकता है? क्या देखिए, ऐसा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, कहीं 1 दिख रहा है लेकिन ऐसा एलिमेंट नहीं दिख रहा है। एलिमेंट मतलब ये पूरी चीज होनी चाहिए इसके अंदर, क्या दिखा? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, मतलब 2 सही 2 गलत। ठीक है, चलिए अब सेकेंड वाले पे आते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या है कि आपको एक सेट दिया गया जिसमें मात्र कहने को तो 2 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन बड़े वाहियात टाइप के हैं। वाहियात मीन्स टोटली अब्सर्ड, नो सेंस, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सेंस है इन बच्चों का, बहुत ज्यादा सेंस है। हम ये कहते हैं कि A के अगर आपके पास एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट ये है, तो इसका एक एलिमेंट 1 हुआ और इसका एक एलिमेंट सेट A हो गया। ये सेट A जो है, ये सेट 1 जो है, ये सेट इसका एलिमेंट हो गया। ठीक, क्लियर। सेट के अंदर आप फूल पत्ती गमला पेड़ जो मर्जी वो रख दो, वो उसका एलिमेंट हो जाता है। तो सेट के अंदर अगर आपने रख दिया, सेट के अंदर अगर आपने रख दिया, तो ये इसका एलिमेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए तब देखिए, 1 A का एलिमेंट है, 1 क्या A का एलिमेंट है? तो हम कहेंगे यस, ट्रू। ठीक, केवल T लिखें तो लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं। क्या 1 A का सबसेट है? तो अब देखिए, 1 A का सबसेट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसको हमें एक सेट के अंदर रखना पड़ेगा, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये फॉल्स हो गया। क्या ये इसका एलिमेंट है? अब तो बड़ा उल्टा क्वेश्चन आ गया, यहां पर तो एक सेट को पूछा जा रहा है कि क्या इसका सेट, इसका ये सेट इसका एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि यस, जो सेट है आपका ये इसका एलिमेंट है। यहां पे ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा एलिमेंट यहां प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। अब आते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है? तो देखिए, इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग ये इसका एलिमेंट हो गया, लेकिन इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो ये इसका सबसेट हो गया। मतलब एक ही एलिमेंट इन दोनों का इसका सबसेट भी है और इसका एलिमेंट भी है, ये इसका सबसेट भी है। किसकी करेस्पॉन्डिंग? इसकी, इस 1 का आप सेट बना के रख दीजिए तो ये इसका सबसेट हो गया, और ये इसका एलिमेंट एज इट इज तो दिखा ही हुआ है, तो ये भी क्या हो गया आपका? ये भी ट्रू हो गया। अब आते हैं चौथे पे, क्या ये सही है? चौथे पे नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवें पे आते हैं, क्या ये सही है? तो बच्चों हाँ, ये भी सही है। अब आप सोचिए कि ये कैसे सही है, ये इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंगली सही है। ठीक है, ये इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंगली सही है, इस एलिमेंट को आप सेट में रखिए, देखिए ये जो एलिमेंट पूरा अंदर रखा हुआ ना, ये पूरा का पूरा इसका एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा इसका एलिमेंट है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक, चलिए, ये इसका एलिमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये समझ में आया? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम कॉन्सेप्ट को धूल खंगाल के एकदम फैला देते हैं, एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम ब्लीच व्लीच मार के एकदम चकचकाता हुआ चमकता हुआ कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाता है। क्लियर, चलिए लेट मी क्लियर द बोर्ड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब
ठीक है बच्चों, बोर्ड पे हमने दो चीजें और लिख दी हैं, इन चीजों को आपको समझ लेना है अगर सेल्स को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो इसमें पहले दो चीजें आपको और समझनी है। पहली चीज है कि पावर सेट क्या होता है और दूसरी चीज यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो पावर सेट जो होता है, पावर सेट जो होता है वो हम ये कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। कोई भी एक गिवन सेट होगा आपको, सपोज करिए ए, हमने 1 2 3 लिया, ये एक गिवन सेट है, तो इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे हम बना लेते हैं। पहला सबसेट 5, थोड़ी देर पहले ही हमने बनाए थे, फिर एक एक एलिमेंट के सबसेट्स बनाएंगे, 1 का 1 2 का 1 3 का 1, तो इंडिविजुअल 1 1 एलिमेंट के सारे सेट्स हो गए। ठीक, चलिए अब 2 2 के बनाएंगे, तो 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, अब 1 की पेयरिंग सबके साथ हो गई, तो 2 ऑलरेडी 1 के साथ कर चुका है पेयरिंग, तो 2 3 के साथ, और फिर अब 3 सबके साथ ऑलरेडी हो चुका, तो बचा क्या, 1 2 एंड 3। तो ये आपका हो गया ऑल द सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। इस सेट के सारे सबसेट्स हमने लिख दिए, इन सब को आप एक बड़े सेट में बंद कर दीजिए, इन सब को आप एक बड़े सेट में बंद कर दीजिए, तो हम कहते हैं कि यही आपका बनता है पावर सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट ऑफ ए से। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मतलब यह होता है कि गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उसको आप एक नए सेट में बंद कर दीजिए। तो गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनको आप अगर अपने नए सेट में बंद करेंगे तो वो बोला जाता है पावर सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, पावर सेट ऑफ ए ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत है। पावर सेट ऑफ ए ऐसे भी नहीं लिखना है, ये भी गलत है। सही क्या है, ये वाला, केवल यही आपका सही है। ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, सेट के लिए यही लिखना है। ठीक, तो जो रिप्रेजेंटेशन जिसके लिए आपको बताया जा रहा है आप उसी रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे अपने मन से, रैंडमली कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज करना है। ठीक, ओके, चलिए, तो एक चीज क्लियर कि पावर सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पावर सेट होता क्या है। पावर सेट किसी भी गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उन सब के एक सेट बना दिया जाता है, उसको हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना होता है, बताया था ना, बोलिए 2 to the power n। ठीक, अब ये बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट 2 to the power n है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज 2 to the power n है, तो ये बताइए कि पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे, मतलब हम n p a की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो देखिए जितने इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, जितने इसके सबसेट्स होंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके सबसेट्स का सेट है, तो जितने इसमें सबसेट्स होंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो पावर सेट्स के एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स बने कितने हैं, 2 to the power n। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज 2 to the power n। चलिए काउंट करके भी देख लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो इसके सबसेट्स कितने बनने चाहिए थे, 2 cube, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 3 कितना हुआ, 8 हो गया। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही बने ना। ठीक, चलिए तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स, इस केस में कितना आएगा एनपीए, 8 आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक बच्चों, चलिए ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, और कुछ,
ठीक है, चलिए अब आप यूनिवर्सल सेट पे आते हैं. अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें, गिवन कॉन्टेक्स्ट और कंटेन्स ऑल दीज सेट्स. कहेंगे सर आपने पूरी डेफिनेशन ही अंडरलाइन कर दी. नहीं बेटा, अ सेट दैट हमने हटा दिया और इन हटा दिया है. ठीक, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल दीज सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट. देखिए इंपॉर्टेंट आपका गिवन कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जिस जो आपका कॉन्टेक्स्ट गिवन होगा अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा यूनिवर्सल सेट. गिवन कॉन्टेक्स्ट अगर आपका नेचुरल नंबर्स का है तो हम नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट मानेंगे, रियल नंबर्स का है तो रियल नंबर्स को सेट. इरेशनल रेशनल भी आ गया तो हम उसको मानेंगे. देखो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हम इसको अपना यूनिवर्सल सेट डिसाइड कर लेंगे. इट इज नॉट फिक्स्ड, यही हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं होता है कि हम किसी सेट को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब आप व्हेन रियल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर से व्हेन डीलिंग विद नेचुरल नंबर्स, जब आप नेचुरल नंबर्स से डील कर रहे होते हैं, एन इज द जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है ना, वो आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा. ठीक, उसी तरीके से व्हेन डीलिंग विद पॉइंट्स इन अ प्लेन टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूनिवर्सल सेट. मतलब जब आप नेचुरल नंबर्स से डील करें, जैसे आपने गाय भैंसे भेड़ बकरियों को काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो वो नेचुरल नंबर्स में काउंट करेंगे ना, कि एक गाय, दो गाय, दस गाय, बीस गाय, सौ गाय, पचास गाय, कितनी भी हो, ये सब आपका नेचुरल नंबर्स में ही आप आंसर्स दे रहे होंगे. तो ऑल दी सबसेट्स, ऑल दी सेट्स बिलोंग टू विच यूनिवर्सल सेट. मतलब एक ऐसा सेट, जिसके कि उस जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसमें दिए गए सारे सेट्स उसके सबसेट हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे. ठीक, ये याद रखिएगा, जितना भी सेट्स आपके क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है और ये चेंज होता रहता है. ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर करके आपको आगे के कॉन्सेप्ट बताते हैं. अब बच्चों बोर्ड पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें क्या करना है कि इस सेट का पावर सेट लिखना है. ठीक, ये सेट देखिए, जब भी आपके पास किसी सेट के अंदर फाई दिख जाता है तो उस टाइम ये जो फाई होता है ये आपका एलिमेंट बन जाता है. ये वो फाई नहीं होता है, ये एक सिंबल बन जाता है आपके लिए. अब ये मात्र एक सिंबल है इस सेट के लिए, ये सिंबल इसका एलिमेंट है. ठीक, चलिए ये तक ये चीज क्लियर रखेंगे ना, कंफ्यूजन नहीं होगा. तो हम इसके सबसेट्स लिख लेते हैं. तो सबसेट्स ऑफ ए आर, एक कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे, तो पहली चीज कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है. ठीक, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये तो सबसेट हो ही गया. दूसरा, ये जो एक एलिमेंट है ना इसको सबसेट में रख दीजिए, मतलब ए इटसेल्फ. तो हम ये कहेंगे कि इसके दो ही, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है ना, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, टू टू द पावर वन और टू, तो दो एलिमेंट्स इसके आएंगे. देयरफोर पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों को आप एक सेट में बंद कर दीजिए, ये आपका पावर सेट ऑफ ए बन गया. ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ सोचना नहीं है. इसके सबसेट्स लिखिए, उसको सेट में बंद कर दीजिए, उसको सबसेट्स लिखिए, उसको सेट में बंद कर दीजिए, ये आपका पावर सेट ऑफ ए बन गया. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट बच्चों ये है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि आप, चलिए इसी का पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए लिखिए. ठीक, आप सब लोग वीडियो पॉज करिए और हमें इसका पावर सेट लिखना है, इसका
ये सेट नहीं रहा हमारा पावर सेट जो आपका बना है ना, इसका आप पावर सेट लिखिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक, चलिए, आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो लेट्स डिस्कस इट। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके सबसेट्स लिखेंगे, इसके सबसेट्स लिखेंगे। तो सबसे पहला सबसेट कौन सा आएगा, 5। ठीक, पहला सबसेट 5। चलिए तो इसको हम अलग लाइन में लिख देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए केवल 5-5 ही है, टोटल कंफ्यूजन की बात है, लेकिन यही कंफ्यूजन आपको दूर करना है। ठीक, तो हमें लिखना है पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए, तो हम लिखेंगे पहले सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो इसका हम ये, अब हमारा नया सेट ये बन चुका है, इसके सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहला सेट 5, सबका सबसेट होता है, तो अब इसको भूल जाओ, ये तो लिख ही दिया है। अब इसके सेट से कोई रिलेशन नहीं है, हर सेट का सबसेट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, पहला एलिमेंट उठाया, उसको एक सेट में बंद किया, एक एक एलिमेंट के सेट बनाना चालू करो। तो पहले एलिमेंट का एक सेट बना, ये इसका सबसेट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट उठाया, इसको भी, ये एलिमेंट है, इसको एक सेट में बंद करो, ये इसका दूसरा तीसरा सबसेट हो गया। अब बनाने कितने हैं, देखिए दो एलिमेंट्स है ना, तो 2 to the power 2, कितने, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो एक आ गया, दो आ गया, तीसरा बाकी है, मतलब कौन सा, यही इटसेल्फ। तो ये 5, और अब दो दो के बनाओ, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके टोटल सबसेट्स बन गए, पावर सेट ऑफ ए के टोटल सबसेट्स बन गए। जब आपने सबसेट्स लिख लिए तो इसी को आप पावर सेट में बंद कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ, हमें तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा, इसको एक सेट में बंद करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए ना, तो फिर आपको समझ लीजिए कि पावर सेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये ब्रैकेट इसको बंद कर रहा है, ये ब्रैकेट इसको बंद कर रहा है, ये ब्रैकेट पूरे सेट को बंद कर रहा है। ठीक, तो ये इसका पावर सेट ऑफ पावर सेट बन गया। ठीक है, बहुत ज्यादा 5-5-5-5-5 हो गए हैं, कोई बात नहीं, 5-5 अच्छी चीज है। जितना देखिए 5 ही कंफ्यूजन करता है, इसको क्लियर कर लो, डर खत्म कर लो। आई होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा, लेफ्ट ऑफ फ्रेम यहां सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अब एक छोटी सी चीज और हम बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो सब एक और चीज लिखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया गया 1-2, ये दिया गया, तो इसके सबसेट्स क्या हुए, सबसेट्स आप देखिए तो ये आएगा 5-1-2, कितने, 2 एलिमेंट्स हैं, 4 बनने चाहिए, तो 1-2, 1-2-3-4, इसको आपने पावर एक सेट में बंद कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि 5-1-2, 1-2, ये तीनों आपके, ये जो है आपका ये पावर सेट बन गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, 5 जो है वो हमेशा पावर सेट का एक एलिमेंट होगा ही होगा, ऑलवेज। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि जिस सेट के भी आप सबसेट्स लिख रहे हैं 5 उसका सबसेट होगा ही होगा, और क्योंकि इन्हीं सबसेट्स का सबसेट बना के हम बोलते हैं कि वो पावर सेट हो गया है, तो 5 इसका एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब एक और स्टेटमेंट, 5 इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट के पावर सेट का 5 हमेशा सबसेट भी होगा, मतलब पावर सेट का 5 सबसेट भी होता है और एलिमेंट भी होता है। ठीक, 5 पावर सेट का सबसेट भी होता है, एलिमेंट भी होता है, क्यों, क्योंकि ये सेट है, इसमें ये एलिमेंट आया। ठीक, और 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा, चलिए हम रब करके लिख देते हैं, कार्डिनल नंबर, एक टर्म यूज होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हम ये कहते हैं, ये केवल टर्म है बच्चों, कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सेट के
कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात करता है? कार्डिनल नंबर ऑफ ऑफ सॉरी 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 नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उस नंबर को हम उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक, ये इसको आप याद रखिएगा। अभी आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अब देखिए, अब अभी आप एक्सरसाइज 1.4 नहीं कर सकते, 1.4 का आई थिंक 1.4 की 1.3 1.3 ही शायद है, लेट मी चेक 1.3 इसके बाद आपको 1.3 करना है। तो 1.3 आपके लिए अभी नहीं कर सकते क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के जो जितने सबसेट्स होते हैं उनको डील करना, इंटरवल्स लिखना, वो आपको बताया जाएगा। मतलब अभी तक हम डिस्क्रीट एलिमेंट से डील कर रहे थे, अब इंटरवल्स में डील करेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आप 1.3 पूरा कर सकते हैं, बट स्टिल यू कैन ट्राई 1.3 और उसके क्वेश्चंस कर लीजिए जितने पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स पे हैं वो कर लीजिए। बाकी इंटरवल्स वाले पार्ट हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, पढ़ते रहिए बच्चों, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, सी यू।